बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से सोमवार की सुबह 8:05 के दरमियान लखनऊ के लिए रवाना हुई फ्लाइट संख्या 67073 नागपुर लखनऊ की आधे घंटे के बाद ही नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विमान में नागपुर से 49 यात्री सवार हुए थे। विमान के कॉकपीट में धुआं निकलने के बाद पायलट ने ATC से संपर्क करते हुए आपात लैंडिंग की अनुमति मांगी और 8:33 के दरमियान विमान लैंड हुआ। इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान संख्या 67074 अहमदाबाद नागपुर के सुबह 7:57 पहुंची थी। इसके बाद 67073 लखनऊ के लिए टेक ऑफ कर गई। कॉकपिट में धुआं आने के बाद विमान को फुल इमरजेंसी के साथ लैंड कराने की व्यवस्था तय SOP के तहत की गई। इसके बाद विमान के इंजीनियरों ने जांच करते हुए सुबह 10:35 बताया कि विमान उड़ने की स्थिति में नहीं है। इससे साफ है कि ये उड़ान अगर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती तो खतरा हो सकता था, लेकिन चालक की सतर्कता से बड़ी अनहोनी टल गई। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।